30 फीट बाय 60 फीट में ये जो है पूरा हाउस डिज़ाइन बनाया गया है। और पूरा जो हाउस डिज़ाइन है ये कस्टमर के प्लान के अकॉर्डिंग बनाया था, मतलब इसका ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का प्लान हमारे पास आया था, उस प्लान के आधार पर ये जो है 30 फीट बाय 60 फीट में ये जो है पूरा डिज़ाइन हमने बनाया था। कॉर्नर हाउस प्लान था, मतलब दो साइड में रोड थे और 30 फीट जो इसका फ्रंट था और 60 फीट जो इसकी हाइट थी, मतलब लेंथ था। तो लगभग 1800 स्क्वायर फुट में ये जो है पूरा जो है डिज़ाइन बनाया गया है। तो इसका मैप भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का, और शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। और इसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे इस डिज़ाइन के, वो कलर ऑप्शन भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो सबसे पहले डिज़ाइन को देखते हैं और उसके बाद में इसके कलर ऑप्शन और उसके बाद में इसका नक्शा हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में पूरा डिज़ाइन है। यहाँ पर मेन गेट बताया गया है और यहाँ पर बाउंड्री वॉल डिज़ाइन बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको स्टेयर केस का जो है ये मम्टी डिज़ाइन आपको नज़र आता है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये पूरा जो है बालकनी दिख रहा है, ये भी बालकनी दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है आपको प्लान में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक बालकनी बताया गया है और ऊपर भी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव डिज़ाइन हमने बनाया है। इस साइड में भी जो बालकनी बनाई गई है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हमने बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन में चेंज किया गया है, ये भी कलर कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सा हमने बनाने की कोशिश की थी। और उसके बाद में फिर से एक कलर कॉम्बिनेशन है, ये भी काफ़ी लोगों को पसंद आता है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाया था। इस टाइप में ये कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाए थे और ये इस साइड में ये फ्रंट व्यू है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप में ये पूरा जो है डिज़ाइन हमने बनाया था। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और तो चलिए इसका नक्शा जो है हमारे पास किस टाइप में आया था वो भी एक बार देख लेते हैं और शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो जिस टाइप में हमारे पास नक्शा आया था उसी टाइप में हम आपको दिखाने वाले हैं और शॉर्ट में समझने वाले हैं। तो ये नक्शा जो हमने नहीं बनाया था, जिन्होंने भी यह प्लान बनाया है उनको हम क्रेडिट देते हैं, काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सा उन्होंने प्लान बनाया था। आपको भी आपके प्लान के लिए इस प्लान से कुछ ना कुछ आइडिया आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में रोड बताया गया है और लेफ्ट साइड में भी रोड बताया गया है। यहाँ पर 30 फीट जो है लगभग इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक है, मतलब 30 फीट है। यहाँ से एंट्री होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग का एरिया बताया है। 9 फीट जो है अंदर अंदर हमको स्पेस मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के ऊपर से स्टेयरकेस जो है ऊपर से चल जाती है और इसके नीचे से हम इस साइड में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लैंडिंग बताया गया है काफ़ी बड़ा बताया गया है, इसकी वजह से हमने ये डिज़ाइन में यहाँ पर बालकनी बताई गई थी। मतलब हम स्टेयरकेस से देखिए इस लैंडिंग के नीचे से हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और इस वरांडे से, और यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है और यहाँ पर इस लैंडिंग पर पहुँचते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बाहर भी हम देख सकते हैं, बाहर भी बालकनी में एंट्री कर सकते हैं और इसके बाद में ऊपर के फ्लोर पर भी जा सकते हैं। तो डिज़ाइन को फिर से एक बार देखा देता हूँ। देखिए हमारी जो है स्टेयरकेस जो है, देखिए यहाँ से हमारी एंट्री होती है और स्टेयरकेस जो है अंदर से आप अगर जाएंगे तो हमारी यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होती है एक वरांडे से और यहाँ पर हम पहुँचते हैं। उसके बाद में फिर से टर्न करेंगे और स्लैब पर पहुँच जाएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए पहले ही लैंडिंग में यहाँ पर हमको बालकनी मिलती है। तो इस टाइप में ये पूरा जो है बालकनी ऊपर और नीचे हमको मिलती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद हम हमारे लॉबी एरिया में एंट्री कर सकते हैं। 13 फीट 6 इंच बाय 15 फीट 6 इंच का इसका साइज़ है, मतलब 13.5 फीट बाय 15 फीट 6 इंच का काफ़ी बड़ा साइज़ है। यहाँ पर डाइनिंग का एरिया बताया है 10.5 फीट बाय 8 फीट 4 इंच का। और उसके बाद में यहाँ पर ड्राइंग रूम बताया गया है 10.5 फीट बाय 12 फीट 3 इंच का। उसके बाद में यहाँ पर किचन है 7 फीट 9 इंच बाय 12 फीट का। और इनको वेंटिलेशन जो है पीछे साइड फ्रंट साइड में मिलता है, 4 फीट का जो है यहाँ पर जो है पैसेज छोड़ा गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो हमको बेडरूम मिलता है 11 फीट बाय 14 फीट का इसका साइज़ है, मतलब 11 फीट बाय 14 फीट का। और 3 फीट 3 इंच जो है यहाँ पर पैसेज मिलता है पीछे साइड में जाने के लिए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको फिर से यहाँ पर एक बेडरूम मिलता है 13.5 फीट बाय 15 फीट 6 इंच का। और ये हमारा मास्टर बेडरूम है, इसको एक अटैच्ड बाथरूम दिया गया है जो अंदर से यूज़ होगा। 5 फीट बाय 6 फीट 6 इंच का इसका साइज़ है, मतलब 5 फीट बाय 6.5 फीट का काफ़ी बढ़िया साइज़ है। यहाँ पर एक यूटिलिटी एरिया बताया गया है 8 फीट 3 इंच बाय 8 फीट का, मतलब यहाँ पर ओटीएस रहेगा। और यहाँ पर एक टॉयलेट बताया गया है 6 फीट बाय 8 फीट का, ये कॉमन टॉयलेट है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉमन टॉयलेट है और यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। तो यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमको 50 फीट ही मिलता है, मतलब 30 फीट बाय 50 फीट भी है अगर आपका प्लॉट, तो यहाँ तक ये प्लान पूरा जो है आपके प्लॉट पर बैठ सकता है। उसके बाद में पीछे साइड में यहाँ पर 10 फीट वाइड जो है एक स्पेस छोड़ा गया है, मतलब लगभग यहाँ पर
उनके हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने शायद बनाया है। यहाँ पर डोर और यहाँ पर विंडो बताया है, जैसे हमने आपको डिज़ाइन में बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डोर और यहाँ पर विंडो है, मतलब लगभग 50 फीट जो है लगभग इसी कॉर्नर तक होता है, मतलब 30 फीट बाय 50 फीट जो है यहाँ तक होता है, उसके बाद में यहाँ पर 10 फीट जो है एक्स्ट्रा बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 फीट 9 इंच है, और यहाँ तक लगभग 49 फीट 3 इंच है, मतलब 150 फीट 3 इंच है, तो टोटल मिलाकर जो है लगभग 60 फीट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर 10 फीट आपके प्लॉट में कम भी जगह है तो ये प्लान आपके प्लॉट पर परफेक्ट बढ़ सकता है। देखिए 2 BHK प्लान है, और इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान जो है किस टाइप में आया था वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्टेयरकेस से हमारी फर्स्ट फ्लोर पर इसी लॉबी में एंट्री होती है, 13.5 फीट बाय 15 फीट 6 इंच का लॉबी का साइज़ है। सेम प्लान रिपीट किया गया है जैसे कि नीचे बताया गया था, 7 फीट 9 इंच बाय 12 फीट का यहाँ पर किचन है, ड्राइंग रूम जो है 10.5 फीट बाय 12 फीट 3 इंच का है, यहाँ पर एक छोटा सा पूजा रूम बताया गया है 5 फीट बाय 4 फीट का, और यहाँ पर एक वैनिटी एरिया बताया गया है, और उसके बाद में लेफ्ट साइड में यहाँ से 11 फीट बाय 14 फीट का यहाँ पर बेडरूम है। 3 फीट 3 इंच का जो पैसेज नीचे बताया था वैसा ही सेम है पीछे साइड में जाने के लिए, यहाँ पर यूटिलिटी, यहाँ पर टॉयलेट है 6 फीट बाय 8 फीट का, यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम है 13.5 फीट बाय 15.5 फीट का, इसको अटैच्ड बाथरूम दिया गया है 5 फीट बाय 6.5 फीट का। उसके बाद में पीछे साइड में जो 10 फीट की जगह थी वहाँ पर एक बेडरूम बनाया गया है, आप देख सकते हैं 13.5 फीट बाय 10 फीट 4 इंच का, और उसके फ्रंट में यहाँ पर ओपन टेरेस बताया गया है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है पूरा जो है प्लान हमारे पास आया था, जैसा प्लान हमारे पास आया था वैसा ही प्लान आपको बता रहे हैं। तो इस प्लान से आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ आइडियाज आपके प्लान के लिए आ चुकी होगी। तो ऐसे ही प्लान और ऐसे ही डिज़ाइन हम बनाते रहते हैं आपके लिए, और आपको भी अगर प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जो भी सर्विस देते हैं उसके चार्जेस लेते हैं, आपको चार्जेस ऑनलाइन पे करना पड़ते हैं। तो आपके शहर से किसी की मदद हो सकती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।